नमस्कार दोस्तों, रियन टेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ब्लॉगर में अपना कस्टम डोमेन ऐड कैसे करते हैं, यानी अपना खुद का डोमेन ऐड कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक रियो रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रियो रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कस्टम डोमेन वो होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए हम अगर ब्लॉगर पर अपना खुद का ब्लॉग बनाते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है कि वहाँ पर जो हमारा डोमेन बनता है वो सॉफ्ट डोमेन बनता है, यानी ब्लॉगर पे जो हमारा डोमेन बनता है फ्रेंड्स, यानी मान लीजिए कि जो भी है राज डॉट ब्लॉग पोस्ट डॉट कॉम होता है, यानी ब्लॉग पोस्ट का जो राज बना वो सॉफ्ट डोमेन बना है। तो यानी हमारा खुद का अगर पर्सनल डोमेन अगर ऐड करना होगा ब्लॉगर पे तो कैसे करते हैं, आज इसी के बारे में हम यहाँ पर बताने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और हमें ब्लॉगर हमें यहाँ पे ओपन कर रखे हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लॉगर है। तो इसमें हमें क्या करना है कि आप हमारा जो URL है इसका, हम अभी आपको फ्रेंड्स दिखाते हैं इसका URL। यहाँ पे जो हमारा URL बन रहा है फ्रेंड्स, riorangan.blogpost.in। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि हमें अपना कस्टम डोमेन ऐड करना है इस पर, ठीक है फ्रेंड्स। यानी हमें जो यहाँ पर डोमेन ऐड करना है mlmwallet.in ऐड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे हमें कस्टम डोमेन ऐड करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हमें सेटिंग में आना पड़ेगा। ये जो सेटिंग है ना फ्रेंड्स, सेटिंग पे क्लिक कर जब करेंगे हम, तो सेटिंग पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो बेसिक ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाता है। अगर बेसिक ओपन नहीं होता है तो आप इस बेसिक पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये लोड हो रहा है, बेसिक यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं, ब्लॉग का टाइटल नेम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आता है हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉग एड्रेस, ब्लॉग एड्रेस के पास जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो जो हमारा सब डोमेन है ब्लॉग ब्लॉग्स पोर्ट डॉट कॉम का, रियोरंजन डॉट ब्लॉग पोस्ट ब्लॉग्स पोर्ट डॉट कॉम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अपना कस्टम डोमेन यानी थर्ड पार्टी का जो डोमेन होता है यहाँ पर सेटअप अ थर्ड पार्टी URL फ्रॉम योर ब्लॉग, ठीक है फ्रेंड्स। हमें यह क्या करना है कि यहाँ पर सेट ब्लॉगर करना है, यानी सेट नया डोमेन यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपके पास नया डोमेन नहीं है तो आप फ्रेंड्स गूगल से भी परचेज कर सकते हैं डोमेन, या अदर साइट से भी आप परचेज कर सकते हैं, GoDaddy से, या बहुत सारे जो कंपनी है जो कि डोमेन सेल करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप परचेज कर सकते हैं, गूगल से भी परचेज यहाँ से कर सकते हैं। तो हमें क्या, अगर आपके पास कस्टम डोमेन है फ्रेंड्स, अगर आपका पर्सनल डोमेन है तो आप यहाँ पर इसे ऐड कर सकते हैं, सेट अप अ थर्ड पार्टी URL फ्रॉम योर ब्लॉगर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपका डोमेन ऐड करने का, ठीक है फ्रेंड्स। आप जब भी यहाँ पे डोमेन ऐड करेंगे, जो भी डोमेन होगा आपका, यहाँ पे HTTP यहाँ पर लगा हुआ है तो आप यहाँ पे www. अब जो भी आपका डोमेन हो रियो रंजन, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर riorangantech.com मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरा डोमेन है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऐड करके कि इस डोमेन को हमें यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो मैंने इस साइट पे मैंने डोमेन ऐड कर रखा है वो डोमेन ये है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर mlmwallet.in है, ठीक है फ्रेंड्स। इस डोमेन को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, अभी फ़िलहाल मैंने वहाँ से रिमूव किया है, इस डोमेन को मैंने अभी रिमूव किया है आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे डोमेन ऐड कैसे करते हैं। जब आप यहाँ पे नया डोमेन आप जब यहाँ पे टाइप करते हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर टाइप करने के बाद जब आप सेव करेंगे, जैसे ही फ्रेंड्स आप सेव करते हैं तो फ्रेंड्स यह एरर आ जाता है, वी हैव नॉट बीन एबल टू वेरीफाई योर अथॉरिटी टू दिस डोमेन error 9, ठीक है फ्रेंड्स। इससे हटाने के लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपने जिससे भी डोमेन परचेज किया होगा और आपका जहाँ भी होस्टिंग होगा फ्रेंड्स, जिस साइट पर भी आपका होस्टिंग हो, जिसके पास भी होस्टिंग हो फ्रेंड्स, उसके साइट पर जाके आपको ये चीज़ ऐड करना होता है। हमें ऐड करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक नीचे आइएगा तो यहाँ पर एंटर द डोमेन योर ब्लॉग्स होस्ट यहाँ पे आता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू सेटिंग इंट्रक्शन, यहाँ पर मतलब बोलता है क्लिक करने के लिए व्यू सेटिंग इंट्रक्शन। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं हम राइट क्लिक और ओपन न्यू टैब, मैंने यहाँ पर न्यू टैब ओपन कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें कुछ इनका IP एड्रेस मिलेगा हमें ब्लॉगर का, जो कि हमारे जहाँ पर होस्टिंग होगा उस पर ऐड करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप इंट्रक्शन, जो कि इन्होंने इंट्रक्शन यहाँ पर बना रखा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स IP एड्रेस होता है मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। चार IP एड्रेस है, इस चारों IP एड्रेस को हमें ऐड करना है जिस पे हमारा साइट मतलब mlmwallet.in हमारा जिस साइट पे
होस्ट मैं कर रहा हूँ उस साइट पे जाके हमें ऐड करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मैं अपना होस्टिंग ओपन कर लेता हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ पहले, उस पर मैं ऐड करूँगा अभी। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा होस्टिंग है माइक्रो होस्ट के ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया माइक्रो होस्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते रहिए, यहाँ पे जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऐड डोमेन का ऑप्शन आता है और DNS एडवांस जोन एडिटर है, और ये आपको DNS मैनेजमेंट के नाम से भी मिल सकता है, DNS एडवांस सेटिंग के भी नाम से मिल सकता है, जो भी हो फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको यहीं पे आना है DNS एडवांस जोन एडिटर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर DNS मैनेजमेंट है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, अगर DNS एडवांस नहीं लिखा हुआ तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर DNS एडवांस जोन पर हमें क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाता है सिलेक्ट अ डोमेन नेम। अब यहाँ पर जिस डोमेन को भी हमें यहाँ पे ब्लॉगर के ऊपर एडिट करना है, ऐड करना है, उसे हम यहाँ पे ऐड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरा यहाँ पे डोमेन, जिस डोमेन को हमें ऐड करना है, mlmwale.in को करना है। हमारा जो अभी वहाँ पे मैंने आपको डाल के दिखाया था riorangantech.com, वो डोमेन मैंने अभी परचेज किया है, इस पर ऐड नहीं किया है, इस साइट पर मतलब होस्टिंग मैंने उसका नहीं लिया है riorangantech का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने मेरे को अभी यहाँ पे mlmwale.in को ऐड करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर डोमेन को सेलेक्ट करते हैं जब, तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है ऐड अ रिकॉर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर रिकॉर्ड्स जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेटअप कस्टम का, मैंने यहाँ पर जो IP एड्रेस मैंने जो इसका निकाला था यहाँ से, आप फ्रेंड्स इससे IP एड्रेस निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये IP मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जब राइट क्लिक करके ओपन करते हैं इस साइट को, तो यहाँ से आपको ब्लॉगर का IP मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको चारों IP को यहाँ से ऐड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको। अब मैं अपने होस्टिंग पे चलता हूँ। अब मेरा यहाँ पर आपको टाइप में फ्रेंड्स यहाँ पर टाइप पूछ रहा है, यहाँ पर टाइप, यहाँ पर बहुत सारे टाइप आ सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी आपके अंदर टाइप आए, पर ए जो ए आएगा फ्रेंड्स, ए को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप नेम दे दीजिए, जिस भी मतलब हम यहाँ, हमें यहाँ पर MLM वाले हमारा जो साइट है उसी का हम नाम दे देते हैं फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर MLM वाले.in। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है, IP एड्रेस जो है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स पेस्ट कर दिया IP एड्रेस को। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वैल्यू फ्रेंड्स डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे फिलहाल 30 डाल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे फ्रेंड्स ऐड हो गया। तो इसी तरह यानी यहाँ पर जो भी चार यहाँ पे IP दिख रहा है फ्रेंड्स, चारों IP को हमें ऐड करना है। बारी बारी हम चारों को कर लेते हैं यहाँ से ऐड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर वैल्यू 30 मैं फिर से डाल देता हूँ, और चैनल नेम MLM वाले डॉट इन, हमेशा अलग अलग आपको यहाँ पे चैनल नेम डालना होगा फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। अब तीसरे को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तीसरे को कॉपी कर लिया, फिर से अपने यहाँ पे होस्टिंग का में आ गया पेस्ट, और फिर से यहाँ पर मैंने 30 डाल दिया यहाँ पर, और जो मैंने यहाँ पे मैंने MLM सिर्फ डाल दिया, और टाइप ए ही मैंने रहने दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइप ए ही है, रिकॉर्ड मैंने ऐड कर दिया। फिर मैं यहाँ से अब चौथे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सिर्फ फ्रेंड्स हमें ये IP एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है, ऐड कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 ऐड हो चुके हैं, चौथा को मैं अभी ऐड कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पर 30, और यहाँ पे जो भी नाम आप डालना चाहें। अभी मैं यहाँ पर MLM L मतलब हमें दूसरा नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड मैंने कर दिया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर नेम जो देख रहे हैं ना, मैंने जो नेम डाला है हमेशा अलग अलग नेम डाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग इसलिए मैंने डाला है क्योंकि सेम नेम यहाँ पर नहीं लेगा, सेम नेम हम डालेंगे तो यहाँ पर नहीं लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर चारों IP को ऐड कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हम अपने ब्लॉगर के अंदर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हमें इससे भी कॉपी कर लेना है यहाँ पर,
GUHS है फ्रेंड्स, आप में भी, आप भी जब ऐड करेंगे तो GHS.google.com मिलेगा। और अन योर डोमेन रजिस्टर्ड वेबसाइट लोकेट योर डोमेन नेम सिस्टम DNS सेटिंग में एंटर चेम में जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ऐड करने के लिए हमें जो चेम लिखा होगा ना फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर CHAME चेम लिखा है, हम यहाँ पे इसको टाइप में चेम सेलेक्ट करेंगे, जो अभी हमने ए को सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पे हम चेम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने जो URL वहाँ से कॉपी किया है चेम नेम, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू भी फिर से हम 30 डाल देते हैं, और जो हमारे यहाँ पर नेम आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर नेम 3 times WW दिया है, तो इस बार हम 3 times यहाँ पर WW कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से इसको ऐड कर देंगे, ये भी ऐड हो रहा है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे आएंगे, एक और है यहाँ पर, इस URL को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपी, और फिर से हम आएंगे अपने एड्रेस में, यहाँ पे पहले हम इसको चेम सेलेक्ट कर देंगे, चेम। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर चेम में मैंने जो यहाँ से कॉपी किया था वो डाल दिया, वैल्यू मैं यहाँ पे 30 डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर से ब्लॉगर के अंदर चलता हूँ, ये जो ये नेम है, नेम को हमें कॉपी कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेम को मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे नेम हमें डाल देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे चीज़ ऐड कर दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप जब जो भी है इनका IP एड्रेस और जो इनका एड्रेस है google.com का, आप ये सब जब ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आप जब अपने ब्लॉगर पे आएंगे, तो यहाँ पर आपको अपना जो डोमेन नेम है यहाँ पर आपको डोमेन नेम डालना होता है। मैंने इस डोमेन पे अभी ऐड किया है mlmwale.in पे। ठीक है फ्रेंड्स, mlmwale.in आप यहाँ पर देख सकते हैं mlmwale.in। अब मेरा जो यहाँ पर ब्लॉगर है, यहाँ पर मैंने mlmwale.in यहाँ पर डाल दिया है, जो मेरा डोमेन है, थर्ड पार्टी का जो डोमेन है यहाँ पर मैंने डाल दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर रीडायरेक्ट आप चाहते हैं तो आगे ऑप्शन आएगा। अब यहाँ से मैं सेव करूँगा इसको। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से जब सेव करेंगे हम, तो ये मेरा अभी मैसेज आ जाएगा क्या कंडीशन है इसका, सेटिंग वाज सेव सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुल सेव हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और रीडायरेक्ट रिवरंजन टेक रिवरंजन डॉट ब्लॉक्स पोर्ट जो डॉट कॉम है, यहाँ से रीडायरेक्ट इस पर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अभी मैं इस साइट को ओपन करूँगा, यहाँ पे जो mlmwale.in है इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट मेरा अभी ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपने कस्टम डोमेन को अपने ब्लॉग में सेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से अपने कस्टम डोमेन को अपने ब्लॉग्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक रिवरंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रिवरंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।